गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू लिटिल बर्ड स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 4 हिट। ओके, फर्स्ट व्हाट इज टेम्परेचर? लेट अस सी। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। जो डिग्री होती है कोई भी ऑब्जेक्ट की, जो हॉटनेस होती है उसकी कोल्डनेस होती है, तो उसकी कोई डिग्री होती है। हम किसी भी चीज़ को डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। ओके, 15 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो उससे हमें पता चलता है कि भाई वो हॉट है या कोल्ड है। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। ओके, अब हमें पता कैसे चलता है कि कोई वस्तु हॉट है या कोल्ड है? तो सपोज हमने ग्लास लिया, ग्लास में क्या फिल किया? वाटर फिल किया। हमने क्या किया? इसे टच किया तो हमें कैसा लगा? कोल्ड लगा। ओके, तो हमें क्या पता चला कि ऑब्जेक्ट क्या है? कोल्ड है। सेम यहाँ पे हमने कप लिया, इसमें टी फिलअप की, उसके बाद हमने क्या किया? इसे टच किया तो हमें टी कैसी लगी? हॉट लगी। ओके, तो हमें पता चल गया कि भाई ये कोल्ड है ये हॉट है। पर सपोज हम एक सेकेंड ग्लास लेते हैं, उसमें भी वाटर फिलअप करते हैं, उसे भी टच करते हैं, वो भी कोल्ड लगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों में कितना डिफरेंस है? ओके, कितने कोल्ड है? ओके, हम ऐसा बोलेंगे कि हाँ ये थोड़ा ज़्यादा कोल्ड है, ये थोड़ा कम कोल्ड है। सेम हेयर, हमने एक सेकेंड कप लिया, उसमें टी फिलअप की, अब इससे वो टी जो है वो ज़्यादा हॉट है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि यस ये थोड़ा ज़्यादा हॉट है। बट हमें उसका टेम्परेचर कैसे मेजर होगा? ओके, तो उसके लिए क्या होता है? एक डिवाइस है हमारे पास, वो है थर्मोमीटर। ओके, थर्मोमीटर द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द थर्मोमीटर। कैसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजर करता है? टेम्परेचर मेजर करता है। किसका? ऑब्जेक्ट का। उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं। ओके, तो टू टाइप के थर्मोमीटर होते हैं हमारे पास। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के। एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और सेकंड होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, तो फर्स्ट हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ये जो फिगर है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर की है। ओके, इसमें क्या होता है? तो एक बल्ब होता है, ओके, किंक होती है, इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब है ये, उसके अंदर मर्क्यूरी होता है। ओके, और ये जो है ये है लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ओके, अब यहाँ पे ये डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 35, 36, 37, और ये जो 95, 96, 97 है ये डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। ओके, अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ओके, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विच हैज़ कैपिलरी ट्यूब इन विच मर्क्यूरी रन्स। तो ये किससे बनती है? तो लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब से बनती है, जिसके अंदर क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब होती है, वो क्या करती है? उसके अंदर मर्क्यूरी क्या होता है? रन होता है। ओके, सेकेंड, इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड एंड इज कनेक्टेड विद द कैपिलरी ट्यूब। इसके वन एंड में क्या होता है? बल्ब होता है, वो किससे कनेक्टेड होता है? कैपिलरी ट्यूब से कनेक्टेड होता है। ओके, थर्ड, बल्ब कंटेंस मर्क्यूरी विच एक्सपांड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स एज द टेम्परेचर अराउंड द बल्ब चेंजेस। मीन्स बल्ब के अंदर क्या होता है? मर्क्यूरी होता है। क्या होता है? मर्क्यूरी होता है, वो क्या होता है? एक्सपांड होता है और कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। ओके, टेम्परेचर जो बल्ब होता है उसके आजू बाजू में जो टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से ये मर्क्यूरी क्या होता है? एक्सपांड यानी फैलता है, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ता है। ओके, देयर इज ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। ओके, जो थर्मोमीटर में स्केल होती है, ओके, द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। यानी हम उस स्केल को किससे इंडिकेट करते हैं? डिग्री सेल्सियस से। ओके, जो ये ऊपर स्केल है ना थर्मोमीटर में, ये जो स्केल है ये डिग्री सेल्सियस की स्केल है। ओके, किससे इंडिकेट करते हैं हम? डिग्री सेल्सियस से। ओके, नाउ नेक्स्ट,
In a clinical thermometer, the range of temperature is from 35 to 42 degree Celsius. Means, जो clinical thermometer होता है उसकी जो range होती है temperature की वो कितनी होती है 35 degree Celsius से 42 degree Celsius. बट मैंने आपको बोला जो नीचे का स्केल होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है, वो कितना होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना होता है. ओके, देयर इज अ किंक एट द बॉटम ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, यानी जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसके बॉटम में क्या होती है, किंक होती है. नियर द बल्ब के पास में ऑफ द थर्मोमीटर के अंदर देयर इज ए किंक एट द बॉटम ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, यानी कैपिलरी ट्यूब के बॉटम में नीचे और बल्ब के पास में थर्मोमीटर के अंदर क्या होती है, किंक होती है. ये क्या करती है, किंक प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन ऑन इट्स ओन. वो क्या करती है, मर्क्यूरी लेवल को नीचे जाने से रोकती है. ओके, देयर इज ए रेड एरो एट 37 डिग्री टेम्परेचर. क्या होता है, वहाँ पे एक रेड एरो होता है, कहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, एक रेड एरो होता है. ओके, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मोस्ट ऑफली 37 के लगभग होता है, 37-38. ओके, इसलिए वहाँ पे क्या दिया होता है, एक रेड एरो दिया होता है. नाउ वर्किंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश द क्लिनिकल थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करते हैं. एंटीसेप्टिक यानी जिसमें बैक्टीरिया ना हो, ऐसा सॉल्यूशन उससे हम क्या करते हैं, उसे वॉश करते हैं. होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. हम क्या करते हैं, उसे होल्ड इट फर्मली यानी उसको हम तेज़ी से पकड़ते हैं एंड गिव इट अ फ्यू जर्क, और क्या कहते हैं, फ्यू जर्क देते हैं, झटका देते हैं. ओके, जिससे क्या होता है, टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, जिससे मर्क्यूरी का जो लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है, बिलो नीचे हो जाता है, कम हो जाता है. देन आफ्टर होल्ड द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग फॉर 1 मिनट. उसके बाद क्या करते हैं, हम जो बल्ब होता है ठीक है ना थर्मोमीटर का, उसे हम कहाँ रखते हैं, अपनी जीभ के नीचे. ओके, कब तक, 1 मिनट तक. आफ्टर 1 मिनट टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम योर माउथ. 1 मिनट के बाद हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर को अपने माउथ से यानी अपने मुंह से बाहर निकालते हैं एंड नोट द रीडिंग विच शोस द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी. आफ्टर 1 मिनट टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम योर माउथ. 1 मिनट के बाद थर्मोमीटर को अपने माउथ से बाहर निकालो एंड नोट द रीडिंग विच शोस द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी. एंड क्या करो, नोट डाउन करो रीडिंग किसकी, थर्मोमीटर की. वो क्या बताएगा, अपना टेम्परेचर, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है. ओके, तो थर्मोमीटर में जो रीडिंग आएगी वो क्या बताएगी अपने को, अपनी बॉडी का टेम्परेचर बताएगी. ओके, आपका होमवर्क है कि ये थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर आपको 2 टाइम्स राइट डाउन करना है और लर्न करना है. ओके, थैंक यू.